हाय फ्रेंड्स, नवे रसोई में आपका स्वागत है। आपका एक बार फिर से आज आपके लिए मैं स्पेशल रेसिपी लेके आई हूँ जो आप मार्केट में खाने जाते हो। तो आज के बाद में मार्केट में खाना जाना नहीं पड़ेगा, आपको घर पे ही बना के खाना पसंद करोगे। मैं आपके लिए लेके आई हूँ आइसक्रीम, पान आइसक्रीम लेके आई हूँ मैं। पान आइसक्रीम बनाने के लिए मैं ले रही हूँ पान और ये ग्रीन कलर और पान एसेंस, तीन चीज ले रही हूँ। इससे पान आइसक्रीम बना के तैयार करेंगे। अब मैं पान के टुकड़े कर लेती हूँ, छोटे छोटे टुकड़े करके, और मैं पीस लेती हूँ पान को। मेरे चैनल पे आप पहली बार आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिए। पान के टुकड़े बना ली हूँ, अब इसे मिक्सी में जार में डाल के और पीस लेती हूँ, क्योंकि आइसक्रीम के अंदर इतने मोटे पत्ते तो चल नहीं सकते, इसलिए मैं मिक्सी के जार के अंदर डाल के और इसे पीस लेती हूँ और बारीक बना लेती हूँ। पान आइसक्रीम बहुत टेस्टी बन के तैयार होती है, तो मैं पीस के तैयार कर लेती हूँ। तो लीजिए, पीस के तैयार कर ली, मैं प्लेट के अंदर रख देती हूँ। और एक बताती हूँ आपको, ऐसा कंटेनर लेना है जो टाइट कंटेनर हो, और मैं ये ली हूँ, देखो एयर टाइट हो, ऐसा ढक्कन वाला लेना है। और मैं ले रही हूँ इलायची, दो इलायची ली हूँ, सौंफ ली हूँ और चेरी ली हूँ। और इलायची को खोल लेती हूँ, फिर सौंफ और इलायची को कूट लूँगी। एकदम आइसक्रीम के अंदर पान का फ्लेवर लाएंगे, जिसे ऐसे लगेगा आपको आइसक्रीम नहीं खा रहे, पान ही खा रहे हैं, ऐसा आपको महसूस होगा। तो मैं अभी से इलायची और सौंफ को कूट लेती हूँ। पहले सभी चीज़ों को तैयार करके रखनी है, फिर क्रीम फेंटने के बाद में तैयार नहीं करेंगे, पहले क्रीम फेंटने से पहले ही तैयार करना है। मैं इसे कूट लेती हूँ, बारीक बना लेती हूँ। आप एक बार ये आइसक्रीम घर पे बना के खाओगे तो आपका मन कभी भी मार्केट जाने का नहीं करेगा आइसक्रीम खाने के लिए। तो मैं क्रीम फेंटने के लिए भगोनी ले ली हूँ, व्हिप क्रीम लेनी है। अब मैं क्रीम को खोल लेती हूँ, गोल्ड वाली क्रीम है। अब मैं दो हाफ कप ले रही हूँ, दो, आप एक कप भी ले सकती हो, दो हाफ कप ले रही हूँ। क्रीम एकदम फ्रिज में रखी हुई होनी चाहिए, एकदम चिल्ड होनी चाहिए फ्रीजर में रखी हुई। अब मैं बीटर ले लेती हूँ और बीटर की सहायता से इसे फेंट लेती हूँ, क्रीम को, व्हिप क्रीम को। मैं चला लेती हूँ, 10 मिनट फेंटना है, 10 मिनट के लिए फेंटूंगी, टाइम देख लेना आप 10 मिनट का, और रेगुलर फेंटना है 10 मिनट, रोक रोक के नहीं फेंटना। इजी तरीके से आपको मैं आइसक्रीम बनाना बताऊंगी, एकदम मार्केट जैसी, और मार्केट जैसी क्या, मार्केट से भी बहुत अच्छी वाली आइसक्रीम बनाना बताऊंगी मैं आपको। अब मैं इसके अंदर बर्फ लगा लेती हूँ नीचे, क्योंकि क्रीम मेल्ट होती है, व्हिप क्रीम मेल्ट होती है, इसलिए मैं नीचे में लगा रही हूँ, बर्फ लगाई हूँ। अब अच्छी तरह से इसे 10 मिनट के लिए फेंटूंगी, एकदम शानदार तरीके से ये फिट जाए, फूल जाएगी जब तक फेंटूंगी इसे। तो देखिए क्रीम फूलने लग गई है, आप एक बार बनाओगे तो आपके बच्चे बड़े आपकी तारीफ पे तारीफ करेंगे, और खाने वाले के मुंह के टेस्ट के अंदर चार चांद लग जाएंगे। देखिए क्रीम एकदम परफेक्ट फूल की तैयार हो गई, तो 10 मिनट हो गई फेंटते हुए मेरे को। अब मैं इसके अंदर डाल देती हूँ मिल्क पाउडर, और ये मिल्क में डाल देती हूँ 1/4 कप
मैं मिल्क पाउडर डाली हूँ 1/4 ही में मिल्क मैं डाल रही हूँ। अब इनको 5 मिनट के लिए मैं फेंटूँगी और अच्छी तरह से 5 मिनट के लिए फेंटना है और फिर आगे की प्रोसेस आगे बताऊँगी मैं। झटपट बनाइए मार्केट वाली आइसक्रीम और सभी को खिलाइए। एकदम शुद्ध क्रीम से बनाइए। मार्केट में आप खाने जाते हो तो क्या पता कौन सी क्रीम यूज में लेते हैं, और आप बनाओ घर पे तो अच्छी वाली क्रीम लाके और फिर बनाइए एकदम अच्छी वाली आइसक्रीम। पान फ्लेवर की बना रही हूँ मैं। अब 5 मिनट फेंट दी। अब 5 मिनट के बाद में मैं 1 कप दूध डालूँगी और फिर 2 मिनट फेंटूँगी। 1 कप दूध डाल दी हूँ, अब 2 मिनट फेंटूँगी। टाइम का आपको पूरा ध्यान रखना है। पहले 10 मिनट फेंटना है, फिर 5 मिनट, फिर 2 मिनट। इतनी बार आपको क्रीम को फेंटना है। अच्छी तरह से क्रीम को फेंट लूँगी 2 मिनट के लिए। इससे ही तरीका आपको कोई भी नहीं बताएगा जो मैं आपको बताई हूँ आइसक्रीम बनाने का तरीका। आपको मार्केट में आइसक्रीम के नाम से खाने जाने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब 2 मिनट हो गई। अब मैं एक बाउल ले लेती हूँ और बाउल के अंदर डाल देती हूँ क्रीम को आइसक्रीम बनाने के लिए, और बाकी बच जाए क्रीम तो इसे रख दीजिए, बाद में कभी काम ले लीजिए। मैं जितनी बनाऊंगी आइसक्रीम उतनी ही क्रीम ले रही हूँ। मैं पान आइसक्रीम बनाऊंगी तो पान आइसक्रीम के लिए मैं क्रीम इसके अंदर ले रही हूँ, व्हिप क्रीम। अब मैं इसके अंदर पान डाल दूंगी क्रीम के अंदर। जो पिसा हुआ पान था वो मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी। अब मैं इसके अंदर पान एसेंस डाल दूंगी। 2 ही बूंद डालनी है आपको, ज़्यादा नहीं डालना पान एसेंस की। अब मैं इसके अंदर डाल दूंगी गुलकंद। गुलकंद से बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, एकदम पान का फ्लेवर आएगा। अब मैं इसके अंदर 2 बूंद डाल दूंगी पान कलर की। इससे बहुत अच्छा कलर भी आएगा और आइसक्रीम के अंदर बहुत अच्छा टेस्ट भी आएगा। अब मैं इसे फेंट लेती हूँ मशीन से। इसे अच्छी तरह से फेंट लेती हूँ, अच्छी तरह से मिक्स कर देती हूँ। अच्छी तरह से मिक्स करके और फिर एक एयर टाइट कंटेनर में भर के रख दूंगी जमाने के लिए। अब मैं इसके अंदर चेरी वगैरह और सौंफ और वो डाल दूंगी। अब मैं इसके अंदर सौंफ और चेरी वगैरह डाल दूंगी। मैं सौंफ और इलायची डाली, वो वीडियो स्किप हो गया तो मैं इसके अंदर डाल दी थी। अब मैं इसके अंदर चेरी डाल दी हूँ। चेरी बोलते हैं हमारे तरफ, किसी तरफ टूटी फूटी बोलते हैं। अब मैं बाउल के अंदर डाल देती हूँ। बाउल के अंदर डाल के अब मैं जो कंटेनर ली थी इसके अंदर डाल देती हूँ पूरी आइसक्रीम को, और इसके ऊपर मैं चेरी डाल दूंगी टूटी फ्रूटी, और फिर इसे रख दूंगी फ्रिज के अंदर जमने के लिए। अच्छी तरह से जमने के बाद में खाएंगे। मैं इसके ऊपर टूटी फ्रूटी डाल दूंगी, ऊपर गार्निश कर देंगे टूटी फ्रूटी से। हमारी तरफ चेरी बोलते हैं, किसी तरफ टूटी फ्रूटी बोलते हैं। मैं इसे बंद करके रख दूंगी। अच्छी तरह से बंद कर दूंगी। टाइट कंटेनर लेना है, इसे अच्छी तरह से बंद करने वाला। अब मैं इसे फ्रिज में रख दी हूँ। अब दूसरे दिन देखती हूँ।
दूसरे दिन मैं इसे खोल के देखती हूँ। तो देखिए लीजिए, एकदम टेस्टी वाली आइसक्रीम बन के तैयार हो गई। तो मैं एक कटोरी ले लेती हूँ और कटोरी के अंदर एकदम आइसक्रीम वाले की जैसे निकालती हूँ। तो देखिए एकदम परफेक्ट आइसक्रीम बन के तैयार हो गई, एकदम मार्केट स्टाइल में। तो देखिए कितनी प्यारी और कितनी अच्छी आइसक्रीम बन के तैयार हुई है, मुंह में जाते ही घुल जाने वाली आइसक्रीम बन के तैयार हुई है। अब मैं इसके ऊपर टूटी फ्रूटी डाल देती हूँ। तो लीजिए खाइए और इंजॉय कीजिए एकदम मार्केट स्टाइल में आइसक्रीम। खाने वाले के मुंह के टेस्ट के अंदर चार चांद लग जाएंगे और आपसे रिक्वेस्ट पे रिक्वेस्ट करने लग जाएंगे, फिर से बनाइए आइसक्रीम, फिर से बनाइए आइसक्रीम। एकदम टेस्टी लाजवाब आइसक्रीम बन के तैयार हुई है, खाइए और इंजॉय कीजिए और खाते जाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाइए। नवे रसोई में आपको आइसक्रीम की रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाना क्योंकि मेरी अगली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। धन्यवाद, फिर से मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ।